अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा बेटा, जो हमारे पीएमसी के सिलेबस में, यानी जो 2022 का कॉमन सिलेबस है, उसमें है टोटल 6 टॉपिक। एक टेंस का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सेंटेंस की टाइप है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, प्रेपोजिशन, आर्टिकल और पंक्चुएशन है। अच्छा, ये टोटल यानी यही टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर है। बाकी वोकेबुलरी को छोड़ के टोटल 6 टॉपिक हैं आपके पास। उन 6 टॉपिक्स के मैं नीचे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, उन यानी लेक्चर्स की, जो कि मेरे यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। 10-10 15-15 मिनट के वो लेक्चर हैं। मैक्सिमम आपके 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। जब भी आप इंग्लिश को प्रिपेयर करने बैठें, यानी आप यूँ समझे कि भाई आप, मैंने इंग्लिश करनी है, आपने वही 6 लेक्चर सुन लेने हैं बस। इनशाला उससे जो ये वाले टॉपिक है आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एमसीक्यूज अप्रोच कर लोगे। मेरे पास सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज हैं काफ़ी पुराने पैटर्न पे, तो उनका एज सच यानी यहाँ पे वो यूसेज नहीं है। वो हैं सारे यानी यूँ समझो 2019 से पीछे वाले, जितना भी पैटर्न हुआ करता था। आपको पता है 2020 में अगर आप देख लें, 2021 को देख लें, या आप जो 2022 है, ये सिलेबस बड़ा मुख्तसर सा सिलेबस है। वो पुराना, वो लेंथी सिलेबस नहीं है, वो जो जिस तरह से एमसीक्यूज आते थे। और पीएमसी ने एक बार को इतनी दफा रिपीट किया कि भाई कॉमन सिलेबस फॉलो करो, कॉमन सिलेबस फॉलो करो, इट मींस के वो जो एग्जामिनर बैठेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस सिलेबस से बैठ जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। उसने उस सिलेबस को ही फॉलो करना है। उस सिलेबस में वो क्या टारगेट करेगा? वही 10 सेस के 4-5 एमसीक्यूज उसने दे देने हैं जनाब। अच्छा, एक आधा एमसीक्यूज आर्टिकल से रिलेटेड दे देगा, एक आधा एमसीक्यूज उसने पंक्चुएशन का दे देना है, प्रेपोजिशन के दो तीन एमसीक्यूज देगा वो प्रेपोजिशन से। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन बचेगा उसके पास, वो 2 टॉपिक होंगे। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके वो 4-5 एमसीक्यूज देगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। फिर उसके पास आखिरी ऑप्शन होगा सेंटेंस कंप्लीशन का, वोकैब से रिलेटेड। एक आधा वो हो सकता है सिनोनिम देगा, जैसे कि यू जिसमें फेवरेट होता है वो सिनोनिम्स लास्ट में देते हैं। और एक आधा हो सकता है फिर वो सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन देते हैं, यानी जिसमें जो मीनिंग बेस होता है वो कैब का। इस वजह से मैं वो पुराना डेटा शेयर नहीं करा कि वो फजूल है, टाइम जाया करने वाली बात है। आप इतनी चीजें पढ़ते रहो, जैसे मैंने बच्चों का अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने वो नम्स में वो कैब करवाई बच्चों को पूरा एक हफ्ता, मजाक नहीं है। और वो कैब 2-3 लफ्ज है, वो सारे थे भी डिफरेंट, यानी न्यू चीज थी वो। तो वो पूरा हफ्ता समझो जाए, स्टूडेंट्स का भी जाए, मेरा भी जाए, पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बार बार आपको यानी एक चीज पे नोटिस कर रहा हूँ कि भाई पुरानी चीज को छोड़ दो, बाहर में जाए। जो चीज यूजलेस है उसके ऊपर हमने क्यों अपना दिमाग, अपनी एनर्जी जाया करनी है? जो चीज काम की है उसको पिक करना है स्मार्ट वे में।